तो ये रसौली वेस्ट आउटर पर जो केबिन है लेवल क्रॉसिंग का वो है, और ये हमारी बाराबंकी की दिशा हो जाएगी। बाराबंकी जंक्शन की जो दिशा है आप देख सकते हैं यहाँ पर किस प्रकार से मास्ट लगाने का जो काम है वो पक्के मास्ट फाउंडेशंस में डाल करके इरेक्ट कर लिए गए हैं। ये हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर। रेल बेड तैयार हो रहा है और ये जो मास्ट है आप देख सकते हैं तो मास्ट यहाँ पर डाल लिए गए हैं बाराबंकी जंक्शन की दिशा में, और दोनों ही तरफ मास्ट पड़ गए हैं। देखिए सामने आपको दिख रहा होगा जो ट्रैक अभी चल रहा है, और कंक्रीट के स्लीपर्स यहाँ पर ढेर हैं काफ़ी सारे। फिलहाल अभी छठ पूजा है आ रही तो छुट्टियां हैं, दिवाली से लेकर के छठ पूजा में कार्य बंद रहता है, सब लेबर गई हुई है। और मास्ट आपको दिख सकते हैं यहाँ पर, देखिए मास्ट इरेक्ट कर लिए गए यहाँ पर, और यहाँ तक जो है क्रॉसबार्स आएंगे, उसके बाद फिर आगे जो मास्ट है उस पर सिंगल ट्रैक वहाँ से चलेंगे, फिर दोनों तरफ एक एक ट्रैक रहेगा, दो ट्रैक। यहाँ पर ट्रैक्स की संख्या चूँकि बढ़ जाएगी क्योंकि ये आप पहुँच जाएंगे अब रसौली की दिशा में, जब अंदर आएंगे आप, मैं अभी दिखाता हूँ आपको, तो इसलिए यहाँ पर यहाँ तक क्रॉसबार्स आएंगी लेवल क्रॉसिंग के बाद तक। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए ये हमारा केबिन आ गया और इधर रसौली स्टेशन की दिशा हो जाएगी। बाराबंकी जंक्शन से जब आप चलेंगे अयोध्या कैंट की दिशा में, अयोध्या जंक्शन की दिशा में, तो पहला स्टेशन है ये। और अभी कुछ मास्ट एक आध रह गए सेट होने 90 डिग्री पर, यहाँ पर जैसे ये है तो डाल दिए गए हैं। अभी ये जितने बूम है यहाँ पर, ये जो बूम आ रहा है हमारा, ये शिफ्ट होगा लेवल क्रॉसिंग्स पर। ये जंक्शन बॉक्स जो है आप देख रहे हैं ये शिफ्ट होगा, जंक्शन बॉक्स की भी शिफ्टिंग होगी यहाँ पर दोनों ही तरफ। और पीछे जो है नया केबिन बनाया जा रहा है जिससे कि लेवल क्रॉसिंग ऑपरेट होगी यहाँ पर। ये नई बिल्डिंग पीछे है जो तैयार की जा रही है, पीछे की दिशा से होगा, ये टूटेगा यहाँ पर, ये जो केबिन आप देख रहे हैं ये भी तोड़ा जाएगा। अभी हम आपको करीब से दूसरी तरफ से दिखाते हैं क्योंकि पीछे तक काफ़ी, आप देखिए यहाँ पर पेड़ के अंदर आपको दिख रहा होगा छुपा हुआ है, कंस्ट्रक्शन का सामान काफ़ी सारा यहाँ पर रखा है, मैं आपको भी दिखा रहा हूँ लेवल क्रॉसिंग से। आपको व्यू हम पहले दिखाते हैं चल करके। ये अब हम पहुँच गए हैं लेवल क्रॉसिंग के ऊपर, तो यहाँ तक अभी जो दो ट्रैक हैं ये चार ट्रैक आ जाएंगे यहाँ तक। ये आप देखिए यहाँ से रसौली स्टेशन, प्लेटफॉर्म्स की जो लेंथ है लंबाई वो भी बढ़ाई जा रही है, क्रॉस बार्स आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी लगाई जाएंगी, उसके लिए ओएचई मास्ट अभी लग गए हैं और बार्स को असेंबल किया जाएगा, स्लाइडर बार जो होती है जिसमें ड्रॉप आर्म्स लगाए जाते हैं यहाँ पर। क्योंकि जो सामने की दिशा में आप अभी ये दो ट्रैक्स देख रहे हैं, लेफ्ट हैंड वाला हमारा मेन ट्रैक है रनथ्रू लाइन, राइट साइड हमारी ये लूप लाइन है, लेकिन अब ये दोनों रनथ्रू लाइंस हो जाएंगी और दो ट्रैक्स यहाँ पर एक्स्ट्रा और पड़ेंगे जिससे कि टोटल नंबर ऑफ ट्रैक्स चार हो जाएंगे, दो रनथ्रू लाइंस हो जाएंगी, दो लूप लाइंस हो जाएंगी। प्लेटफॉर्म नंबर एक ये सामने बाएँ हाथ पर और प्लेटफॉर्म नंबर दो आ जाएगा दाहिने हाथ पर। सामान काफ़ी सारा डंप है यहाँ पर, ये आप देख सकते हैं 90 डिग्री पर यहाँ पर ओएचई मास्ट सेट भी हो गए हैं, ये आप देख सकते हैं ओएचई मास्ट 90 डिग्री पर सेट है। और चूंकि लेबर अभी गई हुई है तो सामान ढेर सारा यहाँ रखा है, मशीन्स जेसीबी वगैरह खड़ी हैं, और छठ पूजा के बाद कार्य बहुत तेज़ रफ्तार से शुरू होगा रसौली स्टेशन की तरफ, जो रेलबेड बनाने का कार्य है बाराबंकी जंक्शन की दिशा में। इधर सामने अयोध्या जंक्शन की दिशा है तो ये कार्य शुरू होंगे बहुत तेज़ी के साथ यहाँ पर। और ये शिफ्टिंग होगी, जो बूम है मैंने आपको बताया ये शिफ्ट होगा यहाँ पर,
अभी मेन लाइन में आप देखिए किस प्रकार से लूप लाइन हमारी जो दो नंबर प्लेटफॉर्म से आ रही है अभी यहाँ पर मिल जाती है, और लेफ्ट हैंड पर आपको बाउंड्री जैसी जो सिग्नल से दिखाई दे रही है इसके ठीक बगल में रेल बेड बन रहा है, तैयार होगा डबल लाइन के लिए। तो ट्रैक्स जो हैं यहाँ आगे तक आएंगे, इसलिए क्रॉस बार्स आगे तक आएंगी लेवल क्रॉसिंग के, और ये पीछे जो है ये केबिन पुराना वाला ये टूटेगा, यहाँ तक ट्रैक आएगा, और ये नया केबिन यहाँ पर देखिए एक बायो टॉयलेट टाइप का भी कुछ बनाया जा रहा है, साथ में प्रोविज़न अप किया जा रहा है। तो ये पीछे यहाँ पर ये जो बिल्डिंग तैयार हो रही है ये यहाँ से फिर बूम संचालित होगा, नए बूम लगेंगे, ये नया बूम यहाँ पर आएगा इस जगह, ये भी लगाने की कवायद चली हुई, जंगल यहाँ जो उग रहा है झाड़ झंकाड़ ये सब साफ़ होगा। तो ये गेट फिर यहाँ से ऑपरेट होगा, ये इस वाली बिल्डिंग से पीछे से ऑपरेट होगा, और हाइट गेज के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से गड्ढे यहाँ पर खोद लिए गए हैं हाइट गेज के लिए, क्योंकि हाइट गेज लगाए जाएंगे दोनों ही तरफ लेवल क्रॉसिंग पर, उसकी तैयारी चल रही है यहाँ पर दोनों तरफ, नींव उसकी फाउंडेशन खोद ली गई है, बजरी यहाँ आसपास रखी हुई है आप देख सकते हैं, और कंक्रीट के स्लीपर्स रखे हैं काफ़ी सारे, यहाँ से स्टेशन तक ढेर हैं, हम आपको दिखाते हैं अभी आगे चल के। तो रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का जो कार्य है, रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का साथ साथ दोहरीकरण का जो कार्य है अयोध्या जंक्शन तक होना है, उसमें आप देख सकते हैं कंक्रीट के स्लीपर्स, पूर्व में भी हमने आपको दिखाया था रसौली स्टेशन के ऊपर देखिए दूर तक कंक्रीट स्लीपर्स के जो चट्टे हैं यहाँ पर लगे हुए हैं, और लेबर आने वाली वापस छठ पूजा के बाद से, जैसा मेरी बात हो रही थी सूत्रों से तो वो बता रहे थे कि कार्य भैया बहुत जल्द शुरू होने वाला है और बहुत तेज़ रफ्तार में अब कार्य होगा। बाराबंकी जंक्शन के आउटर तक रेल बेड बनाने का कार्य होगा, उसके बाद ये जो कंक्रीट के स्लीपर्स हैं इनको बिछाने का कार्य शुरू हो जाएगा। तो दिसंबर तक मुझको लगता है कि काफ़ी हद तक रेल बेड के साथ साथ दोहरीकरण की शक्ल यहाँ पर बाराबंकी जंक्शन से रसौली के बीच में निकलने लगेगी आउटर तक, और ये जो सामान यहाँ पर तमाम सारा बजरी और ये सब रखा हुआ है देखिए मोरंग वगैरह, ये शुरू हो जाएगा। तो इधर जो है लगना फिर कंक्रीट के स्लीपर्स, आप देख सकते हैं इधर भी सामने दूर तक रखे हुए हैं, सामने प्राथमिक विद्यालय है ये। तो कंक्रीट के स्लीपर्स देखिए सामने रखे हैं यहाँ पर ढेर सारे, और आगे भी बिल्डिंग एक तैयार की जा रही है उधर, हम आपको नज़दीक से दिखाते हैं अभी। तो यहाँ पर भी कंक्रीट के स्लीपर्स आप देख सकते हैं काफ़ी दूर तक सब रखे हुए हैं, जो यूज़ किए जाएंगे। तो ये आप देख सकते हैं आगे पुलिया बन गई है, बाराबंकी जंक्शन की दिशा है इधर, और रेल बेड बनाने का कार्य जो है वो चल रहा है यहाँ पर, अभी फ़िलहाल कार्य रुक गया है, छुट्टी के बाद फिर शुरू होगा। और इधर दाहिने हाथ पर भी आप देख सकते हैं जो मास्ट हैं बाराबंकी जंक्शन की दिशा में 90 डिग्री पर सब ये सेट कर लिए गए हैं, और इधर ये मास्ट यहाँ तक आ गया है अभी फ़िलहाल, सामने रसौली स्टेशन की दिशा है, और यहाँ पर कुछ एक बिल्डिंग ये तैयार हुई है और इसमें गेट लगा है, तो अभी समझ नहीं आ रहा कि ये किस पर्पज़ के लिए है। फ्लैट जो हमारा ट्रैक है उसके जस्ट बगल में है, क्योंकि एसएसपी की जो बिल्डिंग होती है छोटी होती है बहुत, और वहाँ पर जाली लगती है फेंसिंग, तो ये कुछ और बिल्डिंग है, बाद में पता चलेगा क्या है। यहाँ पर रेल ट्रैक के जस्ट पास में बनी है चुकी है। तो कंक्रीट के स्लीपर्स रखे हैं दूर तक, और फिलहाल अभी यहाँ काम बंद है, दूसरे छोर पर चलते हैं, वहाँ पर देखते हैं कितना कार्य हुआ है प्लेटफॉर्म की तरफ, उसको आपको दिखाते हैं। तो रसौली स्टेशन का प्लेटफॉर्म नंबर 2 अब हम आपको लेकर के चल रहे हैं, जंक्शन बॉक्सेस ये जो लगे हैं शिफ्ट होंगे, और अब हम प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको लेकर के आ गए हैं यहाँ पर।
रेल इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए यहाँ पर जो OHE मास्ट डालने का काम है, लगाने का, वो कर लिया गया है प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर भी। और इधर ये बाउंड्री ठोकर बन रही है, अभी इसमें मिट्टी पटाई का काम चल रहा है और लेंथ काफ़ी हो गई है। पहले आपको याद होगा रसौली स्टेशन पर एक प्लेटफॉर्म जो था वही मेन फंक्शनल था, छोटा सा प्लेटफॉर्म लूप लाइन पे हुआ करता था, लेंथ उसकी बहुत कम थी। अभी इसकी लंबाई बढ़ा दी गई है, 22 कोच LHB की हमारे इस पर आराम से आ जाएंगे बिना किसी दिक्कत के। कोई लंबी ट्रेन अगर यहाँ रोकनी हुई तो रुक सकती है, हालांकि जो फास्ट एक्सप्रेस ट्रेन्स हैं हमारी उनका स्टॉपेज यहाँ पर ठहराव नहीं होगा। और चूंकि एक रन थ्रू और एक लूप लाइन अप और डाउन दोनों ही लाइंस पर बन जाएंगी, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर 90 डिग्री पर ये सेट हो गया है। सामने जो प्लेटफॉर्म है एक नंबर, उसकी लंबाई भी बढ़ाई गई है, अयोध्या जंक्शन की दिशा में बढ़ाई गई है लंबाई। और ये जो प्लेटफॉर्म है ये बहुत छोटा हुआ करता था, तो दोनों ही दिशाओं में ये नया प्लेटफॉर्म पूरा तैयार किया जा रहा है। पुराना वाला खोद दिया गया, डिसमेंटल कर दिया गया तोड़ करके, ये पीछे अब करके पूरा 2 नंबर प्लेटफॉर्म नया तैयार किया जा रहा है। अभी शेल्टर्स वगैरह का जो काम है, पैदल पुल है, ये सारे कार्य अभी बाकी हैं जो धीरे धीरे होंगे। और जैसी भी मेरी बात हो रही थी यहाँ पर, तो 3-4 दिन बाद लेबर कह रहे हैं वापस आ जाएगी और उसके बाद यहाँ पर कार्य शुरू हो जाएगा। सामने रसौली स्टेशन की छोटी सी बिल्डिंग है, बाराबंकी जंक्शन से जब आप बढ़ेंगे अयोध्या की तरफ तो पहला स्टेशन रसौली पड़ता है यहाँ पर। तो यहाँ पर अब जो ट्रैक्स आएंगे, आप किस प्रकार से आएंगे आप यहाँ पर देख सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ ट्रैक्स 4 हो जाएंगे, 2 रन थ्रू लाइन्स हमारी हो जाएंगी यहाँ पर और 2 लूप लाइन्स इसमें आएंगी। ये हमारी बाराबंकी जंक्शन की दिशा है सामने इस तरफ। स्लीपर्स रखे हुए हैं, इधर हमारी अयोध्या जंक्शन की दिशा हो जाएगी। ये आप देख सकते हैं किस प्रकार से इसकी जो ठोकर है, बाउंड्री है, तैयार कर ली गई है प्लेटफॉर्म की नंबर 2 की। नया प्लेटफॉर्म पूरा बड़ा ये बन रहा है, ब्रॉडगेज के मानकों के अनुरूप बनाया जा रहा है। स्टेशन के मानक जो हमारे हैं उसके अकॉर्डिंग ही ये कंस्ट्रक्शन चल रहा है यहाँ पर। और मिट्टी पटान का काम आप देख रहे हैं, अभी काफ़ी इसमें मिट्टी और पटेगी, फिर फ्लोरिंग वगैरह का काम होगा रसौली स्टेशन पर। तो ये पहला स्टेशन अयोध्या जंक्शन की दिशा में तैयार होता हुआ। इलेक्ट्रिफिकेशन का काम भी बहुत जल्दी यहाँ पर ब्रैकेट्स और क्रॉस बार्स लगाने का काम, ड्रॉप आर्म्स शुरू हो जाएगा, क्योंकि पहली प्राथमिकता बाराबंकी जंक्शन तक जो सेक्शन अभी हमारा चालू है रेल इलेक्ट्रिफिकेशन के कार्यों को पूरा करने की है। तो एक अपडेट आपको रसौली स्टेशन से, बाराबंकी अयोध्या दोहरीकरण और रेल विद्युतीकरण पर ताज़ा स्थिति क्या है आज की हम आपको दिखा रहे हैं। परेवा के दिन ये वीडियो शूट किया हमने, दिवाली के अगले दिन 5 नवंबर को। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।